आपके सामने लेकर आते हैं वीआईपी सेगमेंट। और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी साहब जुड़े हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज की आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? जी, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो पिक है वो है नेटवेव टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे हैं सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलर मिड कैप स्टॉक्स में, बट ये स्टॉक करीब 13% ऊपर है, तो इस स्टॉक में बाय करने की सलाह है। पर उससे पहले रीजन जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो है हाई एंड कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, और इन दोनों ही बिजनेस में बहुत ट्रैक्शन बना हुआ है। कंपनी ने लास्ट ईयर जो करीब 750 करोड़ रुपए का टॉप लाइन किया था, तो मेरा मानना है इसमें 6 महीने में ही करीब 400 करोड़ से ज्यादा का टॉप लाइन आएगा, और अगले सेकंड हाफ में करीब 600 करोड़ रुपए टॉप लाइन करेगी। तो जो 75 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी का था वो बढ़ के करीब 100 करोड़ रुपए का होने वाला है। अब जो ट्रिगर है कंपनी में आगे की, कंपनी की जो नई फैसिलिटी है वो ऑपरेशनल जल्दी ही होने वाली है, तो इसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरफेस के अलावा नेटवर्किंग के बिजनेस में भी उनका सारा इनहाउस हो जाएगा, और जो एनवीडिया के साथ में जो उनका टाइप है वो भी अगले एक क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाएगा, जहां से कंपनी को एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू आएगा। तो यही रीजन है कि एफआईआई की हिस्सेदारी इस कंपनी में अभी भी 11% बनी हुई है आईपीओ के बाद में। डोमेस्टिक फंड्स की करीब 5% है और प्रमोटर्स की 75% है, तो हार्डली 8-9% का फ्लोटिंग स्टॉक है कंपनी का। तो मुझे अभी इस लेवल पे भी स्टॉक काफी पसंद है, और अगले 6 महीने में 2800 से 3000 के लक्ष्य भी यहाँ पर पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो नेट वेब टेक्नोलॉजीज पसंद आता हुआ, लक्ष्य और बाकी लेवल्स आपको बता। कुछ स्टॉक्स पर फोकस करें, आज ऑटो सेक्टर चमकता हुआ नजर आ रहा है, उसमें रफ्तार नजर आ रही है। ऑटो इंसलरीज पर फोकस करते हैं, एसकेएफ इंडिया देखिए लगभग 7% की तेजी फिलहाल नजर आती हुई। टिमकेन इंडिया देखिए लगभग 3% का उछाल यहाँ पर। इसके अलावा मुंजाल में आप देखिए लगभग 2.5% की तेजी, और साथ ही एनआरबी बेयरिंग्स और प्रिकॉल भी लगभग 2% यहां पर तेजी उनमें नजर आती हुई। अक्षय जी बताइए, ऑटो इंस्टरीज में जो नाम मैंने लिए यहां पर कोई मौका बन रहा है, क्योंकि तेजी का मोमेंटम सबसे ज्यादा ऑटो पॉकेट्स में ही है? जी बिल्कुल, ऑटो पॉकेट्स में आज तेजी है, और अगर आप ऑटो एंसिलरीज की देखें तो काफी पॉजिटिव ट्रेड्स सुबह देखने को मिला था, बट जैसे ही दिन चल रहा है अगर आप ओवरऑल एक्शन देखें तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, थोड़ा हायर राइज पे, हर राइज पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है डे ट्रेडिंग में। तो बिल्कुल बाय ही है, पर बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बन पा रहे मुझे। तो अगर मैं स्टॉक वाइज इंडिविजुअली इनके चार्ट्स देखूं तो जो स्टॉक मुझे इन सब में जो आपने नाम लिए बेहतरीन पसंद आ रहा है वो रहेगा टिमकेन इंडिया। तो टिमकेन इंडिया एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। की रेजिस्टेंस बनेगा 3555 जो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है, तो मैं कहूंगा एक कंडीशनल बाय रखूंगा। 3600, जब भी 3600 पार कर जाए आपको इसमें बाय करना है, बहुत ही बढ़िया तेजी का रफ्तार मिल जाएगा आपको, जहां पे स्टॉक 3800 प्लस चल सकता है। तो आप ध्यान रखें और लेवल के साथ ट्रेड करें, क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जैसे हो तभी तुरंत आप ट्रेड इनिशिएट करें टिमकेन इंडिया में, और टारगेट 3800 प्लस की तैयारी करें। तो जो स्टॉक सब स्टॉक्स आपने डिस्कस करे हैं इसमें टिमकेन इंडिया मुझे सबसे पसंद है, तो आप लेवल के जरिए ये ट्रेड को फॉलो करें। टिमकेन इंडिया।